फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। मेरठ के शहर के एक सरकारी अस्पताल की महिला चिकित्सक के साथ लेबर रूम में साथी चिकित्सक के दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला चिकित्सक शहर के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत है, वहीं पर डॉक्टर विवेक भी काम करता है। महिला चिकित्सक का आरोप है कि उसकी रात की ड्यूटी थी, वार्ड में राउंड लगाने के बाद वह लेबर रूम में आ गई। उसके पीछे साथी डॉक्टर विवेक भी पहुंच गया। विवेक ने लेबर रूम की कुंडी लगा ली, उसके बाद उसने महिला चिकित्सक को चॉकलेट देकर प्रपोज किया और जब उस महिला ने इस बात का विरोध किया तो डॉक्टर विवेक ने महिला चिकित्सक के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी और जब महिला चिकित्सक ने शोर मचाया तो विवेक लेबर रूम की कुंडी खोलकर फरार हो गया। इसके बाद ड्यूटी पूरी करने पर पीड़ित महिला चिकित्सक को परिवार के लोग घर लेकर लौटे। इसी बीच यूपी 112 पर कॉल कर मामले की जानकारी दे दी गई थी। बुधवार की सुबह ही महिला चिकित्सक ने थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि महिला चिकित्सक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि पीड़िता एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी है। उन्होंने मामले की जानकारी SSP और ADG को भी दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि अस्पताल की CCTV फुटेज भी कब्जे में ले ली गई है। वारदात के बाद से आरोपी डॉक्टर विवेक ड्यूटी छोड़कर फरार हो गया, उसकी तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। आज महिला चिकित्सक का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा, विभाग भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वहीं अरविंद चौरसिया सीओ ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में ये मामला आया है और इस पे जो है जो तहरीर दिया है पीड़िता ने, उसके तहरीर पे हम लोगों ने मुकदमा रजिस्टर कर दिया है। आगे जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। तो मुकदमा किन-किन धाराओं में लिखा गया? अब धारा है सच याद नहीं है, लेकिन छेड़खानी वगैरह की धारा है जिसमें उन्होंने अपनी तहरीर दिया है। सर, कोई अरेस्टिंग है क्या इसमें? इसमें जो भी विधिक होगा उसके हिसाब से तथ्य के अकॉर्डिंग। साथ ही SIC जिला अस्पताल मनीषा ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, मैं यहाँ पर SIC सुपरिटेंडेंट इन चीफ के पद पर कार्यरत। मैडम, क्या घटना हुई है यहाँ पे? एक महिला डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से एक आरोप लगाया, बड़ा संगीन आरोप है, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी? ये मेरे संज्ञान में भी आई है ये घटना। ये उस दिन महिला डॉक्टर EMO हैं हमारे यहाँ, ड्यूटी पर उपस्थित थी अपनी, तो उन्होंने शिकायत की है कि रात के टाइम पर वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विवेक चौधरी, चॉकलेट डे था ये आजकल वैलेंटाइंस के चक्कर में, वो चॉकलेट देने के लिए आ गए और चॉकलेट देने के बाद उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी सूचना पुलिस में जा चुकी है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और विभागीय कार्रवाई भी चल रही है हमारी तरफ से। और वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर विवेक चौधरी, घटना के तुरंत बाद से गायब हैं, वो अभी तक हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।